नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो किसान साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज 1 जनवरी 2021 हो चुका है, तो सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो किसान भाई, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कानपुर और फर्रुखाबाद मंडी के बारे में, आज इन मंडियों में कैसा माहौल देखने को मिला है और प्याज को लेकर क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी सारी अपडेट के साथ बताऊंगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी सारी अपडेट के साथ बताऊंगा। अगर किसान भाइयों आप हमारी वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो किसान भाई, बात करते हैं कानपुर मंडी में जो आलू है वो मन के हिसाब से बिकता है और मन होता है 40 किलो का। तो जो सफेद आलू है किसान भाइयों, वो 405 रुपए से लेकर 425 रुपए प्रत्येक मन के हिसाब से बिक चुका है। वहीं पर जो लाल आलू है वो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रत्येक मन के हिसाब से बिक चुका है कानपुर मंडी में। किसान भाइयों, ये अपडेट कानपुर मंडी से आ रही है। वहीं पर अगर फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो आवक है, जिसे हम आमदनी बोलते हैं, वो किसान भाइयों 100 मोटर से लेकर 125 मोटर तक के बीच में देखने को मिली है। वहीं पर अगर बात करें जो आलू की, तो यहाँ पर पैकेट के हिसाब से आलू बिकता है और एक पैकेट का वजन 50, 52, 53, 54 किलो तक का होता है। यहीं पर किसान साथियों 500 रुपए से नीचे का पैकेट नहीं बिका है, 500 रुपए से ऊपर का पैकेट बिका है। 511, 521 जो सबसे अधिकतम बोली है वो 551 रुपए तक के भाव में फर्रुखाबाद मंडी में बिक चुकी है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर दें।